हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जेएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय का जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, नागपुरी का जो पेपर आने वाला है, उसी के पैटर्न पे आधारित 50 क्वेश्चंस का सेट एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडा जाति कर आदमी मन, आर्य मन कर भाखा, नागपुरी के का कहत रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंवारी, ऑप्शन बी सदरी, ऑप्शन सी दिक्कू काजी, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिक्कू काजी कहते थे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जैसे हिंदी भाषी हैं, आपको अचानक से मैं कहने लगूंगा कि भाई आप कन्नड़ा बोल के दिखाओ या तमिल बोल के दिखाओ, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मुंडे जाति का जो आदमी लोग थे ना, वो आर्य मन की भाषा जो नागपुरी थी, नागपुरी भाषा को दिक्कू काजी कहते थे। ठीक है, जो नागपुरिया में बात करते थे ना, उन लोग दिक्कू काजी कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अखन छौ बांगिये गोइट ना गोठियाबे, प्रस्तुत वाक्य ने गोठियाबे कर मन माने का आहे। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाचबे, ऑप्शन बी गाबे, ऑप्शन सी बतियाबे, या फिर ऑप्शन डी घूमबे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बतियाबे। अगला प्रश्न है, ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद हैं, देवल कथन कौन साहित्यकार कर है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कोमल कोठारी, ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर ऑप्शन डी कृष्ण नंदन गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन सीजीएल का होने वाला है, उसी पे बेस्ड ऑन सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सिलेबस में है, जैसे कि लोक साहित्य है, लोकगीत है, आपका बनकेवरा है, अंगना है, ये सभी का एमसीक्यू के फॉर्म में पीडीएफ तैयार किया गया है, जो एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको 300 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसके साथ ही अभी जिस तरह का जो वीडियो मैं अभी लेके आ रहा हूं, जिसमें प्रश्न है और उत्तर है, इसी तरह का प्रश्न और उत्तर का 1500 से भी ज्यादा प्रश्नों का सेट 220 रुपए में आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोक गाथा है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोक कथा, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कविता, या फिर ऑप्शन डी लोक साहित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक साहित्य। अगला प्रश्न है, त्रिफला कहानी के अनुसार खुदी बाबू आज का जिनिस के लेके उजराइल रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिष्टांडे वाल हिया चाय पिए के ले। अगला प्रश्न है, लोकगीत मानवीय कृति की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। तो देवल कथन कौन साहित्यकार कह हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर भट्ट। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक साहित्य ने कथोप कथन कर का विशेषता है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। तो कहानी की अधिकतर वर्णात्मक होता है, संवाद शिथिल होते हैं, पशु पक्षी संवाद होता है, ये सभी नागपुरी साहित्य में कथोपकथन का विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घोरना घोरे मुहावरा हेठे देवल में कौन मुहावरा कर अंतर्गत आवेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक संबंध। और घोरना घोरे का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी ने देवल कहावत कर काम आने है। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेमन से काम करना। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक ने भरथू सुगु के का जिनिस होवे के बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंख उल्टे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी होते हैं, देवल कथन कौन साहित्यकार कर हके। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णानंदन गुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिफला कहानी कर अनुसार खुदी बाबू का खोल के कुर्सी ने बैठ के सोचे के लागला है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगा, अंग वस्त्र जो होता है ना। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अंगा। अगला प्रश्न है, हरि काका कर दस घंटा बात केकर से होलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूरा मालिक से। दस घंटा बात का मतलब होता है बहस हो जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर पात्र तीसरी छोड़ी सुगो के का जिनिस होवे के बात कहेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुरीन जाते। ठीक है, चुरीन मतलब चुड़ैल जांतना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्यवत्र अवस्थी कर अनुसार लोकगीत कर कैठो भेद है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण नहीं हो सकेला। सत्यवत अवस्थी जो है वो लोकगीत का वर्गीकरण नहीं हो सकता है ये बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत का वर्गीकरण कै भाग में कर रखा है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 भाग में, ठीक है, उसी को हम लोग 11 बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंच पीढ़ा देवे मुहावरा हेठे देवल में कौन मुहावरा कर अंतर्गत आवेला, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक संबंध, और इसका इसका मतलब ऊंचा पढ़ा तवक का मतलब क्या होता है, सम्मान करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, आइज घर ने अंधार हुए से बचाए दिले देवल संवाद इंजोट नाटक में केकर बारे में बोला जाए है, कि ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोशनी के बारे में बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि रोशनी जो है ना वो अपने घर में मतलब कि उसके जो हस्बैंड है उसको एड्स हो गया था, तो कहीं उससे उसकी बीमारी से उनकी मृत्यु ना हो जाए इससे बचा ली थी, तो ये जो संवाद है ना वो रोशनी की सास बोलती है, ठीक है, और रोशनी से बोलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सत्येंद्र हेठे देवल में से का जिनिस ने ब्रज लोक गीत कर विस्तृत वर्गीकरण कर रखा है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोक साहित्य विज्ञान। अगला प्रश्न है, हेठे देवल में से कौन गीत कर सिर्फ मरद मन गावेना, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेमटा, खेमटा को सिर्फ मर्द लोग गाता है, बाकी अंगनई झंझाइन और गवान जो है गौना ये सब सब जो है स्त्री प्रधान गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती हैं, तो ऊपरे देवल कथन के कर है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विद्या चौहान। अगला प्रश्न है, ऐठाइल जनी कादो खाए देवल पहेली कर संबंध है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राणी संबंधी है, और इसका करेक्ट आंसर मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, तो घोंघी को कहल जाता है, घोंघा, ठीक है, स्नेल जो होता है ना उसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियां लोक कहानियां हैं, तो ऊपर देवल कथन किकर है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सत्येंद्र। अगला प्रश्न है, आपन नस में टांगा मारे मुहावरा हेठे देवल में से कौन मुहावरा के अंतर्गत आवेला, ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक संबंध। इसका मतलब क्या होता है, आपन नस में टांगा मारे, इसका मतलब होता है अपना नुकसान करना या फिर मूर्खता दिखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रतनी जब आसाम चाह बगान से घुरलक तो कौन उकर नहियर ने घर ढुके नी दिलक, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौजी, भौजी जो है वो उस अपने घर में नहीं घुसने देती है। अगला प्रश्न है, राघव सिंह बेटा कर स्कूल कर फीस 6000 कते दिनवा ने देवत रहे, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सालाना। अगला प्रश्न है, का जिनिस के लेके लेखिका कर घर में गुहाइर है, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना कर अंगूठी, गुहाइर, गुहाइर का मतलब लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर आप जो गुहाइर देख रहे हैं ना, तो हम लोग में गुहाइर घर भी कहा जाता है, गौशाला को गुहाइर घर बोला जाता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, गुहाइर का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज घर ने अंधार हुए से बचाए दिले देवल संवाद इंजोत नाटक में के कहेला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरजी बोलती है, ठीक है, और किसको बोलती है, तो रोशनी को बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधेर ले मूड में जबर जबर जट कपार में लालटी का घेचा में लाल गमछा करम बिहान नाटक कर अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार ले है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झगरू के बारे में है। अगला प्रश्न है, इंजोत नाटक में रोशनी और सूरज कर बियाह भेल कते महीना भेल रहे, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न है, कागज पूरा तैर से निश्चित नखे मकिल होकर संभावना है के कौन काल में आहे, ओ सॉरी, क्वेश्चन इस तरह से है कि काज पूरा तैर से निश्चित नखे माकिल होए कर संभावना है के कौन काल में आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रतनी आसाम से घुरल बाद गोटेक राइत कहां बिताए रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेतर गज कर ढोडरी में, ठीक है, तो तेतर गज जो गज पेड़ जो है ना उसका जो खोल है ना उसी में वो अपना पूरा रात बिताई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो सकेला आगे हफ्ता रिजल्ट आवी देवल वाक्य कौन काल में आहे, तो
तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, हमर खातिर तो राव रहे भगवान ही देवल संवाद किंजोत नाटक में के कहे लाल। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरजी। अगला प्रश्न है, मुखिया के भोला कर फूट कर हिस्सेदार बताए रहे। ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोटिया को। ठीक है, चोटिया जो था चरवाहा था मुखिया का, तो उसी को भोला का खूंट का हिस्सेदार, खूंट का मतलब कि उसका जमीन जायदाद का हिस्सेदार बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहां कब कैसे कितना शब्द मन हेठे देवल में से का जिनिस कर बोध करवाएला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण कर भेद। मैंने आपको जो क्रिया विशेषण का चैप्टर कराया है, ये टॉपिक कराया है, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया है कि कहां कब कैसे कितना ये क्रिया विशेषण का प्रकार को बतलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बियारी कलवा देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर बिया मतलब कि व्यवहार के बतावेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, बाल कथा कै प्रकार के होवेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, संध्या माए राघव सिंह के मुंह बिचकाए के कै साल से संध्या ले बर खोजे बात करे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 साल से। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी कर लेखिका समाज के कौन दानव के उजागर कर रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज दानव। अगला प्रश्न है, मोट ले करिया छोड़ा करया तोलंग छोड़ल ठेठमुगरे घेचा में मूंगा कर माला। तो करम बिहार नाटक के अनुसार ऊपरे देवल वर्णन कौन किरदार ले है के देखिए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा के लिए है। ठीक है, देखिए करिया का मतलब होता है जो पहलवान लोग पहनता है ना लंगोट, उसी को करिया बोलते हैं। तोलंग छोड़ल का मतलब क्या होता है, पेट निकला हुआ। ठेठमुगरे का मतलब होता है नंगे बदन, उघरा 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 भी उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उघरे पगरे काले घूमथिस रे इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं ठेठमुगरे घूमथियो। ठीक है, तो ठेठमुगरा, घेचा में मूंगा, घेचा का मतलब होता है गर्दन जो होता है ना, गर्दन नेक, उसी को घेचा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नीम तीता कहानी कर अनुसार झारखंड समाज ने का जिनिस कर नाव निशान नी रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहेज। अगला प्रश्न है, जोन शब्द से क्रिया कर घटिक होवे कर ढंग कर पता लागेला ओके का कहना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, भौजी कर घर का तरी होवत रहे। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुच्छा ढंग ढगात रहे। छुच्छा ढंग ढगात कर रहा मतलब होता है एकदम वीरान पड़ा है घर, घर में कुछो नहीं है। ठीक है, उसी को कहा जाता है छुच्छा ढंग ढंगात रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण और मात्रा कौन लिपि कर विशेषता है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, अगम कर समानार्थी शब्द है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगरा। अगम का मतलब होता है बहुत अधिक या फिर बगरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, गांधी कर देश में नामक रचना केकर कृति है के। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश रमन। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहानी कर अनुसार जगत केकर से झगड़ा करल बाद घर छोड़ के चल गेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय बाप से। अगला प्रश्न है, लेख कर अनुसार शेख भिखारी कर मन ने काटीस रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए क्या है, का लखे देश के आजाद करल जाए, और दूसरा था कि गोरा पलटन के खदेड़ के भगवाल जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जखम कहानी कर अनुसार लेखक भौजी के कहां बैठे कहे ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारी कर कुंबा में। देखिए बारी जो होता है ना, खेत और बारी, वहीं पर एक तो छोटा सा घर बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कुंबा। ठीक है, पोरा उरा का बनल रहता है इधर, ठीक है, बांस और पोरा को लेके इसको बनावल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कुंबा। ठीक है, जिसे दलान कहते हैं ना, उसी तरह से हम लोग कुंबा कहते हैं। ठीक है, तो ये है 50 क्वेश्चंस का सेट। आपको जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें इस तरह से आंसर नहीं रहेगा नीचे दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में कुछ इस तरह से आंसर की दे दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से
जिस तरह से एग्जाम में पेपर आता है ना, उसी तरह से पेपर और पेन लेकर बैठिए और अपने प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आंसर से उसको मैच कीजिए और देखिए आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।